अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज मोहम्मद आरिफ एंड दिस इज योर इंग्लिश क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम योर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। योर टेक्स्ट बुक नेम इज फ्लेमिंगो एंड फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की हम फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। And the chapter name is the last lesson. The last lesson, जो chapter है इसका name जो है वो क्या है, last lesson मतलब आखिरी सबक। Lesson means class भी हो सकता है, आखिरी class या आखिरी सबक, आखिरी lecture, आप last lecture कुछ भी कह सकते हैं। इसके जो writer हैं वो अल्फोंस डॉरेट हैं। कौन है? अल्फोंस डॉरेट। इसके जो writer हैं वो अल्फोंस डॉरेट हैं। And today we are going to discuss few topics of these topics. And before reading the chapter, we will discuss about the author and background of the background and characters. And after that, after reading the text and discussing the text, we will discuss summary and question answer at last. So first of all, we will begin with about the author, and let's start the chapter, the last lesson, aakhri sabak. About the author, author writers ko kehte hain, to author ke bare mein hum padhenge. Aur iske jo writer hain wo Alphonse Daurat hain. Iske writer kaun hain? Alphonse Daurat hain. Iske writer Alphonse Daurat hain. To Alphonse Daurat 1840 जो यहाँ पर डेट दी हुई है वो इनका बर्थ डेट है। ये 1840 में इनकी पैदाइश हुई है, यानी कि ये पैदा हुए हैं। एंड 1897 और 1897 में इनकी डेथ हुई है। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, और वो कैसे नॉवलिस्ट है? फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के जो है नॉवलिस्ट हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये क्या है? फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। एंड द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो है लास्ट लेसन डायरेक्ट चैप्टर के जो चैप्टर के चैप्टर का बैकग्राउंड है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो राइटर के बारे में हमको जान लेनी जरूरी है। वो ये कि फॉर्मरली, यानी कि पहले जो ये राइटर थे, यानी कि अल्फोंस डॉरेट जो थे, वो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन इन्होंने टीचिंग की जॉब छोड़ दी अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। बाद में इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में, यानी कि एज अ जर्नलिस्ट ये जो है वर्क किए। कहाँ पर? पेरिस में। एंड नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कलेक्टेड पोएम है जिसका नाम है ले अमोरे। इसका नाम क्या है? ले अमोरे। लिखा है लेस अमोरेसस, लेकिन इसको ले अमोरे पढ़ा जाता है। तो इनकी कलेक्टेड पोएम की जो वॉल्यूम है उसको हम ले अमोरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं बैकग्राउंड पे। ये तो हो गया राइटर की, ये जो है अल्फोंस डॉरेट जो है, इनकी पैदाइश है ना 1840 और 1897 में, और ये जो है फ्रेंच नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, ठीक है। और ये पोएम भी इन्होंने लिखा है, इनकी एक कलेक्टेड पोएम आई जिसका नाम था ले अमोरे। और ये एज अ स्कूल टीचर भी इन्होंने जॉब किया और एज अ जर्नलिस्ट भी इन्होंने काम किया। तो आफ्टर दैट वी विल सी द बैकग्राउंड, तो हम पढ़ते हुए देखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। और ये जो लास्ट लेसन लिखा गया है ये उस समय की स्टोरी है जब फ्रांस और प्रशिया का वार हुआ था। कब? 1870 और 1871 में। 1870 और 1871 में फ्रेंको, यानी कि फ्रांस और प्रशिया का जो वार हुआ था उस समय की ये स्टोरी है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशियन लीडर प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। और जो फ्रांस था वो डिफीटेड हुआ था, यानी कि वो हार गया था। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा, यानी कि प्रशिया के द्वारा ये जो है इसको डिफीट मिली थी, ये हार गया था। एंड जो उसका लीडर था प्रशियन आर्मी का वो कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ये जो है प्रशिया, यानी कि जर्मनी का एक जो है स्टेटमैन था, यानी कि एक जो है राजनेता भी था।
तो और ये उस समय प्रशियन आर्मी को लीड कर रहा था, तो ये जो है तब इसको जो है सफलता मिली थी फ्रांस पर, यानी कि फ्रांस को इसने डिफीट किया था। एंड देन प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस, और उस समय प्रशिया हुआ करता था जो आज के समय में क्या है, वो नेशंस हो चुके हैं अलग अलग। उस समय प्रशिया में कौन कौन से नेशंस आते हैं ये देख लीजिए, कौन कौन से स्टेट्स थे इसमें, जर्मनी था, पोलैंड था और पेरिस था। कौन कौन थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पेरिस के, सॉरी पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, सॉरी पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से थे, मतलब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से इसमें आते थे। जर्मनी पूरा आता था, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से इस क्षेत्र में आते थे, जिसको हम कुल मिलाकर टोटली क्या कहते थे, प्रशिया कहते थे। क्या कहते थे, प्रशिया। नेक्स्ट है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। और जब जर्मनी ने यानी कि प्रशिया ने जब ये वार जो है जीत लिया, इनकी विक्ट्री हुई, तो इनको जो है टू स्टेट्स, यहाँ के टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं या रीजन्स हैं, या डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं या रीजन्स कह सकते हैं, अल्सेक्स रीजन है और लोरेन टेरिटरी है, ये दोनों जो है किसको मिल जाते हैं, प्रशिया को मिल जाते हैं आफ्टर फ्रेंको प्रशियन वार, जब प्रशिया को विक्ट्री मिलती है। और इस पर जो है किसका, जर्मनी का जो है पावर हो जाता है। नेक्स्ट, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। और हम कहा जो स्टोरी है इसकी उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्कूल पर इसका क्या इम्पैक्ट था, क्या इफेक्ट था, एंड और इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस कर लेनी चाहिए। उस समय जब फ्रेंको प्रशियन वार हुआ और जब प्रशिया ने ओवरकम कर लिया जो है ओवरकम कर लिया, या जो इसके टू स्टेट्स थे फ्रांस के जिसको इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया जर्मन ने, या प्रशिया यहाँ पर जर्मनी समझिएगा, तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को जो है अलाउ कर दिया गया पढ़ने के लिए, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज को, यानी कि जो यहाँ की मदर टंग थी उस पर बैन लगा दिया कि आपको जो है जर्मन लैंग्वेज ही सीखनी है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखनी है। तो यहाँ पर नॉट फ्रेंच कुड बी टॉट इन स्कूल एट अल्सेक एंड लोरेन। अल्सेक और लोरेन जो टेरिटरी थी वहाँ पर जो है, ये फ्रेंच टेरिटरी है, तो फ्रेंच टेरिटरी में जो है ये क्या कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। अब थ्रू दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वॉट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। और इस स्टोरी के थ्रू जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि जो वहाँ के लोग थे उन पर और जो वहाँ की स्कूलिंग थी उस पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या इफेक्ट रहा वहाँ की लाइफ पर या स्कूल लाइफ पर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज आर, और फिर इसके बाद इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो अपनी ओन लैंग्वेज होती है यानी कि मदर टंग होती है, मदर लैंग्वेज होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक लिबर्टी, यानी कि हम इसमें लिंग्विस्टिक लिबर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर। कैरेक्टर इसमें टू मेन कैरेक्टर हैं जिसके चारों तरफ जो है स्टोरी रिवॉल्व करती है या इसी के इर्द गिर्द जो है स्टोरी चलती है। इसमें एक कैरेक्टर है फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो जो है स्टूडेंट है, ये बहुत ही जो है एक डिसिप्लिन स्टूडेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट करने वाला स्टूडेंट है टीचर्स का, और अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट करता है ये। नेक्स्ट जो है एम एम एल है, ये टीचर है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और यही बताएंगे कि जो है लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, अपनी मदर लैंग्वेज जो है या लिंग्विस्टिक लिबर्टी की इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द लास्ट लेसन, लास्ट लेक्चर के बारे में है कि जो आखिरी इनका जो सबक था वो क्या था। तो अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हम पढ़ते समय जो है एक्सप्लेन करते चलेंगे। फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच जो है, आई जो है वो फ्रेंच है, स्टूडेंट यानी ये फ्रेंच जो है अब कहानी को, कहानी का एक तरीके से नैरेटर है, ये जो है कहानी को बताएगा। फ्रेंच, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग, सॉरी स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट
he would question us on participle and I did not know the first word about them. I started school very late that morning. और इसमें कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है कि मैं जो है काफी लेट जो है मॉर्निंग को स्कूल के लिए रवाना हुआ या निकला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और वो डांट की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि वो डांटा जाएगा, स्पेशली बिकॉज, और ये पार्टिकुलरली जो है मिस्टर हैमल की वजह से था कि उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे किस पर क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे. पार्टिसिपल इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज, वी कैन सी दैट इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपल्स आर मेड फ्रॉम वर्ब और वर्क्स या फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. जो पार्टिसिपल होता है वो आपके ग्रामर का ही पार्ट है, वो लैंग्वेज में होता है. फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल होगा जो वर्ब है, वर्ब से मेड है. तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं जो वर्ब से बनाई जाती है, इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हमको पार्टिसिपल ही देखना है कि पार्टिसिपल पर जो है ये क्वेश्चन करने के लिए हमसे कहे थे, इसलिए वो जो है डांट की, यानी कि रेब्यूकिंग कह सकते हैं, डांटने की डर से वो बहुत डरा हुआ था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये कह रहा है कि मुझको उसका पहला अक्षर भी नहीं मालूम था, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट वर्ड भी नहीं मालूम था. इसका मतलब आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट पार्टिसिपल, कि मुझको जो है पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि वो पूछेंगे, इसलिए मैं डर रहा था. फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. अब यहाँ पर फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, या फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, अ लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए, फिर हमने क्या, आई थॉट, मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, मतलब वहाँ कहाँ से, स्कूल से, कि मतलब स्कूल ना जाए, कि कहीं भाग जाए. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और आउट ऑफ डोर्स का मीन्स आउटसाइड, और अपना जो दिन है वो कहीं बाहर जा कर के बिताए. अब फ्रेंड जो है ये कह रहा है, इसके दिमाग में अब आ रहा है कि सर ने जो है, जैसा कि मोस्टली बच्चे कहते हैं कि कल अगर तुम लर्न करके नहीं आओगे, और कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो तो वो कहता है कि लर्न करके नहीं आओगे तो बहुत मारेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास बंक करने की सोचते हैं, घर पर बहाना बनाते हैं कि आज मुझको फीवर है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है. तो ये भी सोच रहा है कि उन्होंने पार्टिसिपल के बारे में पूछने के लिए कहा है और मुझको उसका पहला वर्ड भी नहीं मालूम है, यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. इसलिए उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि एक तो स्ट्रिक्ट टीचर है और वो बहुत ही जो है स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, तो क्यों ना मैं जो है कहीं भग जाऊं और अपना दिन पूरा जो है कहां पर, बाहर जो है स्पेंड करूं. नेक्स्ट, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. अब जो दिन है उसको वो डिफाइन कर रहा है, इट वॉज सो वार्म. एक्चुअली जो जिस जगह की स्टोरी है वो मोस्टली कोल्ड जो है रीजन है, तो वहाँ पर जब धूप निकलती है तो जब थोड़ी सी गर्माहट आती है तो वो समय जो है बहुत ही सिंटिलेटिंग माना जाता है, बहुत ही सुहावना है माना जाता है, बहुत ही सनी कह सकते हैं, जॉयफुल कह सकते हैं, या जॉयस कह सकते हैं, बहुत ही जॉयस माना जाता है. तो वो कह रहा है कि जो दिन है वो कितना गर्म और कितना ब्राइट है, कितना सनी है, कितना जॉयस है. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो जंगल के किनारों पर जो बर्ड्स हैं वो ट्विटर कर रही या चर्प कर रही हैं, चहचहा रही हैं. चर्पिंग मीन्स ट्विटरिंग करना या चहचहाना, एज मीन्स किनारा, और वुड्स मीन्स यहाँ पर जंगल है, जंगल के किनारे वो क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल्स यहाँ पर होता है लंबर मिल, लंबर मिल्स जैसे आरा मशीन जहाँ पर प्लैंक्स बनाए जाते हैं, पटरे बनाए जाते हैं आरा मिल्स में, तो वो जो है आरा मशीन कह सकते हैं जहाँ पर पटरे की चिराई होती है या उसको जो है प्लैंक्स बनाए जाते हैं. तो सामिल के पीछे का जो मैदान है, फील्ड्स है, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर, जर्मन सोल्जर कह सकते हैं, प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कदम ताल कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडियन सोल्जर 26 जनवरी को जो है मार्च करते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो हमको पढ़ना था उससे ज़्यादा जो है टेम्पटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, अल्यूरिंग है.
टेम्पटिंग का मीन्स एल्यूरिंग या अट्रैक्टिव लग रहा था उसको. देन द रूल आर पार्ट्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन हमारे पास ये जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही थी, मैं छोड़कर भाग जाऊं, क्लास बंक कर दूं, इसको जो है मेरे अंदर ये इतनी पावर थी कि मैं इसको क्या कर सकूं, अपोज कर सकूं, इसको दबा सकूं. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और फिर मैं क्या, कहां पर चला गया, मैं बहुत तेजी से स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया. दैट्स ऑल. थैंक यू क्लास. वी विल मीट अगेन विद द सेम चैप्टर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द second video from your Flamingo textbook, that is the last lesson. And as you have already known some topics which have already discussed in your previous video, that is about the author. In previous video I had told you about the author that he was a French novelist. He was a French novelist and short story writer. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है जो राइटर है इसका नाम अल्फोंस डाउडेट है. राइटर का क्या नाम है? अल्फोंस डाउडेट. The last lesson is written by Alphonse Daudet and he was a French novelist and a short story writer. He was also work as a school teacher and as a journalist, right? And the second topic which I had discussed in previous video, there is background and characters of story. As I have told you that background of story, the setting of the story is the Franco-Prussian War, which was fought in 1870 to 71. This is the date of Franco-Prussian War at the time when this story is set, are written in this period. This story is written in Franco-Prussian War period. मतलब ये story जो है, ये Franco-Prussian War जो था, French और Prussia या Germany के बीच जब हुआ था, तब की ये story write की गई है. And in this Franco-Prussian War, at that time the France and Prussia, they fought between each other. And in this war France was defeated by Prussia, and Prussia took over the two districts of France, that is Alsace and Lorraine. At that Franco-Prussian War, जब फ्रांस और प्रसिया के बीच जो वार हुआ था, उसमें प्रसिया ने फ्रांस को डिफीट किया, और उस समय प्रसिया ने फ्रांस के दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट को जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, और वो अलसैक था और लोरेन. अलसैक एंड लोरेन. तो यहाँ जब इसने इसको ऑक्यूपाई किया, प्रसिया वाज नाउअडेज प्रसिया इज नोन एज जर्मनी. प्रसिया इज नोन एज जर्मनी. एंड at that time Prussia ordered that in these states French language would not be taught, only German language would be taught in these states or in these district. Clear? And characters, I have told you there is two character in this story. First is French and second is M. Hamel. These topics had already discussed in your previous video. So let's begin the discussing topic which was running, going on, that is explanation of text. And as you all have known that I have explaining
I was explaining the text line by line. So let's begin the chapter from where we left it. Look at your textbook and follow me. When I passed the town hall, where was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the town hall is a government building and bulletin board is a notice board. जैसे हम स्कूल होता है वहां पर नोटिस बोर्ड होता है जहां पर बच्चे इकट्ठा होकर के सारी चीजें देखते हैं. वैसे पहले के जमाने में इतना मीडिया नहीं था कि जो है टीवी या मोबाइल से लोग देख लें और अपने घरों में ही सारी चीजें जान लें या गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो जान लें. तो इसलिए उस समय गवर्नमेंट हॉल होता, गवर्नमेंट एक बिल्डिंग होती थी जिसको टाउन हॉल कहा जाता था. और जब कोई ऑर्डर पास होता था या कोई ड्राफ्ट होता था या ऑर्डर होता था उसको वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड होता था, वहां पर उसको पेस्ट किया जाता था. तो लोग जो है पूरे शहर के या टाउन के या डिस्ट्रिक्ट के वहां पर जाते थे तो उनको न्यूज मिलती थी. तो ठीक उसी तरीके से व्हेन आई पास द टाउन, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो जो है वो जो फ्रेंड है वो क्या कहते हैं वो अपना मतलब वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो लेट हो रहा होता है और वो सोचता है कि काश मैं क्लास बंद कर दूं. लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो उस पर काबू पाता है और वो फिर जो है स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाता है. तो वही आगे कहानी ये चल रही है. When I passed the town hall, जब मैंने गवर्नमेंट बिल्डिंग या टाउन हॉल को पास किया, there was a crowd. Crowd means mob. वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी. In front of bulletin board के सामने. And for the last 2 years, all our bad news had come from there. और ये कह रहे हैं कि for the last 2 years, 2 सालों से जितनी भी हमारी जो बुरी खबरें हैं, वो यहीं से तो आ रही हैं या यहीं से आती हैं. तो बुरी खबरों का मतलब उस समय आप जान ही रहे हैं कि इसमें जो ये सेटिंग है ये वार पीरियड की जो है स्टोरी है. तो वहां पर जो भी जैसे फ्रैंको प्रशियन वार से रिलेटेड वार जो है हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए जो खबरें आती थी वो बुरी ही खबरें आती थी. इसलिए कह रहा है कि पिछले 2 सालों से इस जगह से बुरी खबरें आ रही हैं. द लास्ट बैटल्स, और वो खबरें कौन थी, बैटल हारने की, वार हारने की या डिफीट होने की. एंड द ड्राफ्ट, जो रिटेन ऑर्डर्स होते थे आते थे, क्योंकि ऑर्डर्स फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं पास कर रही थी इस समय प्रशिया था, वहां पर प्रशियन गवर्नमेंट थी. तो वो जो भी उनके ऊपर वो इम्पोज किया जाता था या रूल्स को थोपा जाता था. एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो ऑर्डर्स हुआ करते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो सारी चीजें उस बुलेटिन बोर्ड से जो बुरी खबरें होती थी वो हम तक पहुंचती थी. And I thought to myself, और मैंने खुद से सोचा without stopping, बिना रुके, what can be the matter now? अब क्या हो गया, अब क्या मामला हो गया कि ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, gathering किए हुए हैं. Then, तब as I hurried by as fast as I could go, तब मैं जितनी तेज हो सकता था, hurried means hasten, मतलब जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज मैं आगे बढ़ा. द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बक, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. हियर द स्टोरी, यहां पर इस स्टोरी में एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम वॉचर है. तो वॉचर जो है वो वहां पर था जहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और वो अपने ट्रेनी के साथ था. अप्रेंटिस मींस ट्रेनी होता है. अप्रेंटिस मींस क्या होता है, ट्रेनी. ट्रेनी मींस चेला, शिष्य. वो जो है अपने चेले के साथ था या जो भी ट्रेनी था. रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो जो है क्या कर रहे थे, वहां पर खड़े थे टाउन हॉल के सामने और वो बुलेटिन बोर्ड को यानी कि नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे. एंड कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझको पीछे से बुलाया, डोंट गो सो फास्ट, तुम इतनी तेज मत जाओ. बब इज अ एक्सप्रेसिंग वर्ड विच इज यूज टू कॉल लिटिल वन, मतलब छोटे बच्चों को बुलाने के लिए बब का यूज किया जाता है. जैसे छोटे बच्चों को बाबू कह देते हैं, मतलब कुछ भी इस तरीके से वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो वैसे वहां पर बब कहा जाता है छोटे बच्चों को. तो कहता है बब तुम इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, अब तुम्हारे पास बहुत समय है. I thought he was making fun of me. अब ये यहाँ पर जो है फ्रेंच क्या क्यों कह रहा है,
वो कह रहा है आई थॉट, मैंने सोचा कि ये जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है या रेडिक्यूल कर रहा है या जो है जोक कर रहा है मेरे साथ। तो फिर ये क्यों कहता है, क्योंकि जो है एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और वो कह रहा है तुम्हारे पास बहुत समय है वहां पर पहुंचने के लिए, तो इसलिए उसको लगा कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मींस पेंटिंग, पेंटिंग मींस हाफते हुए, मतलब मैं हाफते हुए एम हैमल के गार्डन के पास पहुंचाया, गार्डन में पहुंचा। जैसे स्कूल था तो वहां पर एम हैमल ने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था तो वहां पर वो पहुंच जाता है। यूजुअली, यूजुअली जनरली सामान्यता जो होता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल, बशल मींस कमोशन, रस, नॉइज, लाउड नॉइज भी कह सकते हैं, तो बशल मतलब शोर शराबा, ठीक है, तो बशल व्हिच इज क्रिएटेड बाय क्राउड कह सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल कह सकते हैं, तो बशल मींस होता है नॉइज व्हिच इज क्रिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, या एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको क्या किया जा सकता था, उस कमोशन को या उस जो है शोर शराबे को स्ट्रीट में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और किस चीज की आवाज सुनी जा सकती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो डेस्क थी उसके खुलने और बंद होने को भी सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन्स थे वो एक टाइम पे सेम टाइम पे जो है रिपीट किए जा रहे थे लाउडली, वेरी लाउड, जैसे एलकेजी यूकेजी फर्स्ट के बच्चों को जो है कम, मतलब उनको जो है कोई भी लेसन जो है रिसाइट कराने के लिए बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है। नेक्स्ट फर्दर, ग्रेट बसल रिपीटेड द यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम क्या करते हैं अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके उन चीजों को या वो जो रिपीटेड लेसन होते थे उसको समझने की कोशिश किया करते थे बेटर, अच्छी तरीके से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो है रूलर्स था यानी कि स्टिक थी वो जो है रैपिंग हिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर हिट हुआ करती थी, इसकी भी आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ती थी। एंड बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सारी चीजें बहुत ही स्टिल थी, काम थी, म्यूट थी, स्टिल मींस क्वाइट थी, बट लेकिन आज मतलब एकदम ये आश्चर्य में पड़ जाता, अमेज्ड हो जाता है, कहता है बट इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ये तो बहुत ही ज्यादा जो है क्वाइट है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और ये कहता है कि मुझको विश्वास था किस पर, काउंटेड ऑन मीन्स ट्रस्टेड ऑन, मतलब इसको भरोसा था कमोशन शोर शराबे पर क्लैमर पर टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा विदाउट बींग सीन, बिना किसी के देखे, बट ऑफकोर्स लेकिन definitely that day everything had to be quiet as Sunday morning, सारी चीजें इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। through the window I saw my classmate, और विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, already in their places, वे सारे लोग अपने places पे पहले ही बैठे हुए थे, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, और जो एम हैमल हैं वो अपने रूलर को अपने अंडर आर्म में रख करके या दबा करके वो ट्रू एंड फ्रो आगे पीछे चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। And I had to open the door and go in before everybody, और मुझको दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जो है अंदर जाना पड़ा। And you can imagine how I blushed and how frightened I was, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना जो है शर्म महसूस कर रहा था। ब्लस्ड मीन्स होगा फीलिंग सेम, ब्लस्ड मीन्स वैसे होता है लाल पड़ जाना चेहरा, लेकिन शर्म की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, तो कह रहा है कि मैं बहुत ही असेम्ड फील कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, एंड और मैं कितना फ्राइटेंड डरा हुआ था।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. हैपेंड मींस अकर्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमल सामी एंड सैड वेरी काइंडली, वेरी जेंटली, वेरी अफेक्शनेटली जो है एम हेमल मुझको देखते हैं और वो उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपनी जगह पर बहुत जल्दी जाओ. लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, अपनी जगह पर तुम जल्दी से चले जाओ. वी आर बिगनिंग विदाउट, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बगैर जो है शुरू करने वाले थे. दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, वी विल मीट अगेन विद द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द चैप्टर which we are discussing, the last lesson. The last lesson which is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. ये हम लोग जो है last lesson पढ़ रहे थे जो आपके आपका chapter first है Flamingo book का. Flamingo textbook का chapter first है, इसको हम लोग discuss कर रहे थे. And today without wasting our time, let's start from where we left the chapter. So सी योर नोटबुक. और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो है ये एक सॉरी इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताते हुए चलता हूँ कि जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये फ्रैंको प्रशियन वार से रिलेटेड है. ये फ्रैंको प्रशियन वार से रिलेटेड है और इसका टाइम जो है 1872-71 है. ये मतलब ये स्टोरी जो है ये पास्ट टाइम में सेट है कि ये एंग्लो फ्रैंको प्रशियन वार के समय की ये स्टोरी है. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें दो कैरेक्टर थे जिनके जिसके चारों तरफ ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है या मूव करती है. एक था फ्रैंक जो कि ये स्टूडेंट है और दूसरे हैं एम हेमल. एम हेमल ये टीचर है, ये फ्रेंड जो है स्टूडेंट है और एम हेमल जो है उसके टीचर हैं. और ये स्टोरी ऐसी है कि जो फ्रैंको प्रशियन वार होता है उसमें दो सिटीज होते हैं फ्रांस की जिसमें फ्रेंच आर्मीज डिफीट होती है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो प्रशिया के हाथों में चला जाता है. और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो एक अलसैक होता है और दूसरा लोरैन होता है. तो अलसैक और लोरैन में ये जो है आर्डर दे दिया जाता है कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी. तो ये जो फ्रेंच और एम हेमल हैं ये उस जगह से रिलेटेड हैं अलसैक या लोरैन से, जहाँ पर अब आर्डर हो गया है कि जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है बैन कर दी गई है, केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. यानी ये यहाँ पर इनकी जो मदर टंग है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी. तो इससे इनको ये जो एम हेमल हैं ये अपना लास्ट लेसन लेने जा रहे हैं, अपनी आखिरी क्लास लेने जा रहे हैं. और उस दिन जो है फ्रेंच आगे की तरफ मूव करता है स्कूल की तरफ और जब वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है रास्ते में जो भी चीज़ें देखता है उसको बहुत ही माइन्यूट माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ता है. और फिर जो है वो एटलीस्ट जो है स्कूल पहुंचता है और फिर वो तब वो जो है क्लास में अंदर जाने वाला होता है. बट नथिंग हैपेंड. एम हेमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली. जब वो स्कूल पहुंचा तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था, एम हेमल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के जो है टीचर थे, बहुत ही पंक्चुअल थे और वो हमेशा आयरन रॉड जो है लेकर के चलते थे जिससे बच्चे बहुत स्केयर्ड करते थे. तो वो कहता है बट नथिंग हैपेंड, जब वो पहुंचा तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने डांटा नहीं. एम हेमल सामी एंड सैड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड. बल्कि उन्होंने बहुत ही माइंडली बहुत ही लविंगली जो है उससे कहा कि जाओ और तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ. लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्या करने जा रहे थे, क्लास को शुरू करने जा रहे थे, स्टार्ट करने जा रहे थे. आई जंप ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं छलांग लगा करके अपनी सीट पर मैं बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट टीचर दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट.
और जब तक कि मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया तब तक मैंने ये नहीं देखा कि हमारे टीचर जो हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर सा बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही प्रिटी जो है एक ग्रीन कोट पहना हुआ था विच इज फ्रिल्ड, जो क्या हुआ था फ्रिल्ड हुआ था, फ्रिल्ड मीन्स एक तरीके से डिजाइन उसमें बनी हुई थी शर्ट में एंड उनकी शर्ट में एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सिल्क कलर की कैप भी पहनी हुई थी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सारे जो है क्या हुए थे इनमें एम्ब्रॉयडर हुई थी, डिजाइन बनी थी, कढ़ाई हुई थी या जरी का काम हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये इस कोट को या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या तो प्राइज डे पर पहनते थे, यानी कि किसी ओकेजन पर ही पहनते थे, अदरवाइज ये पहनते नहीं थे। नेक्स्ट, बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज अनयूजुअल वियर्ड होता है, तो इसके अलावा जो कि सारा स्कूल जो है कैसा दिख रहा था, बहुत ही अनयूजुअल यानी कि स्ट्रेंज दिख रहा था, बहुत ही वियर्ड दिख रहा था, बिजारे दिख रहा था, एंड सोलेमन और सीरियस यानी कि डल दिख रहा था एकदम। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉलर हैट द फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। अब यहाँ पर जो है ये क्लास को जहाँ पर अब वो पहुँच गया है, तो पहले तो वो डर रहा था, उसके बाद जब उसने डर पर काबू पाया तो वो चारों तरफ देखा, और उसके सबसे पहले उसने अपने टीचर एम हेमल को डिस्क्राइब किया कि उन्होंने जो कोट पहना है वो अकेजन किसी अकेजन पर पहनते हैं, वो उनका संडे क्लॉथ था यानी कि सबसे बेस्ट क्लॉथ था, और उसके बाद वो अपने क्लास को जो है मॉनिटर करता है और देखता है और उसको डिस्क्राइब करता है, कहता है The thing that surprised me most, और वो चीज़ जो मुझको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया या सबसे ज़्यादा स्टार्टल किया या हमको आश्चर्यचकित किया, टू सी ये देखकर कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो बैक पीछे की जो बेंचेस होती थी हमारे क्लास की वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पीछे की तरफ जो बैक बेंचेस थी जो कि ऑलमोस्ट लगभग खाली रहती थी वहाँ पर विलेजर्स जो है बहुत ही क्वाइटली बैठे हुए थे, और उनमें कौन कौन लोग थे ये आगे डिस्क्राइब करता, ओल्ड हाउसर बूढ़ा हाउसर था एंड विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, उसने एक थ्री कॉर्नर्ड कैप पहने हुए था, तीन कोने वाली टोपी पहने हुए था जैसा कि काउबॉयज जो है मोस्टली पहनते हैं, तो थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था। द फार्मर मेयर, और जो फार्मर यानी कि पिछले मेयर थे वो थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर थे यानी कि जो पास्ट टाइम में पोस्ट मास्टर थे, यानी कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी बूढ़े हैं और ये अपने काम से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि फार्मर जो है पोस्ट मास्टर थे एंड सेवरल अदर डिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे गाँव के लोग वहाँ पर थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सारे लोग कैसे दिख रहे थे क्योंकि अब ये सिचुएशन ही ऐसी है कि फ्रांस जो अल्सैक और लोरेन है अब ये जर्मन को हैंडओवर कर दिया है फ्रांस ने, तो वहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो जर्मन आर्मी ही बना रही है, तो इसलिए जो है ये लोग बहुत ही सैड थे कि इनका अपना सब कुछ छिन जाएगा, इनकी अपनी लैंग्वेज छिन जाएगी, अपनी फ्रीडम छिन जाएगी, और इन पर बहुत सारी चीज़ें जो है आर्डर है या कोई भी चीज़ है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, तो इससे ये जो यहाँ का जो सिचुएशन है और सिनेरियो है बहुत ही सैड है, तो वही कह रहे हैं कि लेकिन सब लोग जो है बहुत सैड दिख रहे थे, बहुत ही पैथेटिक दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर जस्ट लैंग्वेज बुक, बेसिक लैंग्वेज बुक, जैसे कि हम लोगों के यहाँ ऑल इन वन टाइप की बुक होती है, उसमें प्राइमरी लेवल पर जो है हम लोग लेटर सीखते हैं, उसके बाद वर्ड सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, तो वो जो है उसके पास एक जो है बेसिक लैंग्वेज की बुक थी जिसको प्राइमर कहते हैं, तो वो अपना प्राइमर भी लाया हुआ था। थंब एट द एजेस, थंब मीन्स होता है टॉर्न आर डैमेज मीन्स जैसे टुड़ी मुड़ी हो, तो वो किनारों से जो है जो उसकी बुक थी प्राइमर यानी बेसिक लैंग्वेज की बुक थी वो थोड़ी सी मुड़ी और टुड़ी थी यानी कि वो पुरानी हो चुकी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको वो अपने घुटनों पर या अपनी गोद में खोल करके बैठा हुआ था। एंड विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, और वो जो बुक अपना खोला हुआ था उसके ऊपर उसने अपना बड़ा सा चश्मा यानी कि ग्लासेस जो है रखा हुआ था।
वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, वॉन्डरिंग मीन्स थिंक करना, ठीक है, तो वो जब इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड विद चेयर, माउंटेड सैट ऑन, वो अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड माई चिल्ड्रेन, और उन्होंने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में, यानी कि बहुत ही सीरियसली और जेंटल काइंडली जो है, जैसे कि वो हमेशा बोलते थे कि मेरे बच्चों, इसी अंदाज में उन्होंने बोला, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा जो है या मेरा जो है लास्ट लेसन है, लास्ट क्लास है, इसके बाद अब क्लास नहीं लेंगे। से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो अल्सैक और लोरेन है वो जर्मन जो है गवर्नमेंट ने या जर्मन जो है रूलर ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहां पर उनका रूल जो है अब लागू हो चुका था कि यहाँ पर जो है अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज की इनकी आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है। तो यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आई शैल गिव, सॉरी, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आपका आखिरी क्लास है जिसको मैं आज आपको दूंगा या पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड प्रसिया इन दोस टाइम, तो वो प्रसिया जो है आज जर्मनी, प्रसिया, ऑस्ट्रिया सब अलग हो गए हैं, पहले ये एक ही कंट्री थी, लेकिन मेन जो है वो जर्मनी ही था। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, प्रसिया, ओ सॉरी बर्लिन है, तो बर्लिन से आदेश आया है, ऑर्डर आया है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैक एंड लोरेन, कि अब जो है अल्सैक और लोरेन स्कूल के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच की आखिरी क्लास होगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को तुम लोग बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही कंसंट्रेटिंग होकर के सुनो, अटेंटिव मीन्स कंसंट्रेटिंग या वॉचफुल्ली जो है आप लोग मेरे जो इस, मेरा जो आखिरी लेक्चर है इसको आप लोग सुनिए या ध्यान दीजिए। वाट्स अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो वर्ड्स थे टीचर्स के कि ये हमारी आखिरी क्लास है, इसके बाद अब हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, ये जैसे लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, या बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था। थंडर क्लैप मीन्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा, वेरी सरप्राइजिंग या वेरी शॉकिंग, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था ये सुनना कि ये इनका जो है क्या है आखिरी फ्रेंच क्लास है। ओ द रिचेस That was what they had put up at the town hall. तो wretches जो होता है वो एक तरीके से जो unfortunate people होते हैं उनके लिए use किया जाता है, ऐसे बेचारे कहते हैं, तो अरे जो बेचारे वहाँ town hall के सामने जो खड़े हुए थे, तो इसीलिए वो खड़े थे वहाँ पर, जो order, जैसे town hall जो government building होती है, तो जो government का जो भी order होता है वहाँ पर paste कर दिया जाता है, तो लोग उसको देखते हैं तो वहाँ से news मिलती है, वही कह रहा है कि अरे इसलिए वो लोग वहां पर खड़े हुए थे टाउन हॉल के सामने। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब क्या होगा मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, ये कैसे हो सकता, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं बहुत मुश्किल से जानता हूँ लिखना पढ़ना फ्रेंच, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब हमको यहीं पर जो है रुकना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for speaking birds egg or going sliding on the Sar. Sar is the name of river of France. तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है मैं बहुत ही sad feel कर रहा हूँ कि मैंने जो है अपने lessons को ढंग से नहीं पढ़ा, और किस लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं birds के पीछे जाता था, बर्ड्स के अंडों के पीछे जाता था, या सार रिवर में स्लाइडिंग करने जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सो सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो किताबें मुझको कुछ समय पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमको जो है बर्डन लगती थी या मेरे लिए बोझ लगती थी, अब क्या हुआ, सो हैवी टू कैरी, जो मुझको ले जाने में बहुत ज़्यादा वजनी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जिसमें जो है ग्रामर की बुक और सेंट हिस्ट्री की बुक, मतलब जो संतों की, महात्माओं की कहानियाँ होती हैं उनकी बुक्स,
वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो जो पहले इसको बहुत ही बर्डन लगता था, न्यूसेंस लगता था, बकवास लगता था, अब वो कह रहा है कि ये अब हमारे क्या हो चुके हैं, पुराने दोस्त बन चुके थे। एंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी जो है, जो कि बहुत ही क्रूएल टीचर थे, या कह सकते बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, बच्चे उनसे डरते थे, अब वो एम हैमल के लिए भी कह रहा है कि ये इनको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि ये आइडिया, ये थॉट कि वो अब जो है दूर चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम उनको अब दोबारा नहीं देख पाएंगे। एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और इन सारी बातों ने मुझको ये भुला दिया कि वो कितने जो है इसेंट्रिक नेचर के हैं, बैड टेम्पर्ड हैं, इन सारी चीज़ें, और वो रूलर लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उनके बारे में भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बच्चे उनसे डरते हैं, अब उनसे डर नहीं बल्कि उनसे उनको अफेक्शन हो गया, एक तरीके का लगाव हो गया, बॉन्ड बन गया है एम हैमल और फ्रेंच के बीच में। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।